तेजी सरगोशी होने के लिए ये जगह शानदार है। पहाड़ है, देखिए वहाँ हरियाली किस तरह से छाती जा रही है, एक जंग की तरह नहीं लगता आपको, जैसे कि बर्फ और हरियाली के बीच में जंग छिड़ी हो। हाँ चल के तुम्हें मैं दिखलाऊं वैली अफ़्रा के नज़ारे। इस धरती के ऊपर शायद से 3 या 4 दिन का टाइम निकाल लिए आइए और सही मायने में स्वर्गवासी हो जाइए। मरने के बाद जो स्वर्गवासी होते हैं उसका तो कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन जीते जी स्वर्गवासी होने के लिए ये जगह शानदार है। कैसा रहे अगर इसी जन्म में स्वर्ग मिले, मरने के बाद का क्या? मेरे सामने जो हरे भरे मैदान नज़र आ रहे हैं ना, ये कभी बर्फ़ से ढके थे, अब बर्फ़ चली गई इसी जगह, वापस हरियाली ने ले ली, और सिर्फ हरियाली क्यों, पिलियाली भी गई है क्योंकि पीला रंग भी गया, और शायद यही वो फ्लावर्स या प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स लगेंगे। ये नज़ारा खूबसूरत है, आपको देखना बनता। ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर पहाड़ है, और वो जो पहाड़ है देखिए वहाँ हरियाली किस तरह से छाती जा रही है, एक जंग की तरह नहीं लगता आपको, जैसे कि बर्फ़ और हरियाली के बीच में जंग छिड़ी हो। एक टाइम आता है जब बर्फ़ स्ट्रांग होती है और ढक लेती है हरियाली को, हरियाली हार जाती है उस वक्त, और उस बर्फ़ के नीचे दबे दबे वो खुद को तैयार करती है सही वक्त के आने का, और जब सही वक्त आता है, जब बर्फ़ कमज़ोर पड़ने लगती है, तब हरियाली वापस अपनी उस ज़मीन पर कब्जा करती है जहाँ कब्जा कर लिया जाता है, कुछ दिन बाद वहाँ हरियाली का अधिकार होता है। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ अभी भी जंग छिड़ी है, बर्फ़ हारती जाती है और हरियाली धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जीतती जाती है। कुछ ऐसी ही जंग बाद में हरियाली और पशुओं के बीच में जड़ेगी, पशु आएंगे उस हरियाली को खाएंगे, मैदान को साफ करेंगे, हरियाली उस वक्त हार जाएगी जानवरों से, लेकिन हार मानेगी नहीं, एक बार का हारना हारना नहीं होता, हार मानने को हारना कहना चाहिए। वही दूब, वही प्लांट्स, वही फ्लावर्स वापस उगेंगे दुगनी तेजी के साथ, फिर से पशु आएंगे, फिर खाएंगे और फिर से उगेंगे, ये जंग चलती रहेगी। एक टाइम आएगा जब पशु चले जाएंगे और शायद फिर से उस जगह पर बर्फ़ का अधिकार होगा। ये लाइफ साइकिल ही तो है, ज़िंदगी ऐसी ही तो चलती है। आज किसी और का राज था, कल किसी और का होगा, क्या मेरा और तेरा करके कब्जा करके बैठ रहा है। जिस घर को आप अपना कहते हैं आपसे पहले किसी और का था, आप तो मुसाफिर थे। नज़ारे देखिए, ज्ञान चक्षु तो मैं ऐसे ही खोलता रहता हूँ। ये देखिए अब थोड़ा ढलान, थोड़ा उतराई और फिर थोड़ी चढ़ाई।
आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि ये रास्ता मुझे लेकर जाएगा उस ग्लेशियर और इस पहाड़ के बीच में, और ये बात सही साबित हुई एक बार फिर से। मेरे अक्सर इस तरह के अनुमान सही होते हैं। मैं काफ़ी हद तक ठीक से चीज़ों को गेस कर लेता हूँ। आप ये फूल देखिए कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत। थोड़ा राउंड में आपको शो करता हूँ। ये Isn't it beautiful? और दिखाता हूँ, ये ऐसा है जैसे लैंडस्लाइड जोन होता है कहीं पर। यहाँ लैंडस्लाइड होती है इसलिए कुछ तबाही के मंजर आपको दिख सकते हैं, किस तरह से लैंडस्लाइड चीज़ों को बर्बाद और तबाह करता है। अब ये देखिए, वहाँ से लैंडस्लाइड हुआ और ये अपने साथ इन पेड़ों को तबाह करता हुआ अपने साथ लेकर यहाँ पहुँचा। और ये देखिए सूखे दरख्त, ये पेड़ किस तरह से उस लैंडस्लाइड की चपेट में आए। ज़मीन का खिसकना पहाड़ी इलाके में काफ़ी ख़तरनाक होता है। अब ये देखिए, मैं इस छोटे से ग्लेशियर को जो रह गया है क्रॉस करूँगा और जाऊँगा उस तरफ, और वो जो हरियाली आप देख पा रहे हैं वो है वैली ऑफ फ्लावर। गुडनेस क्या गुफा है, जरूर फॉरेस्ट वाले इसे यूज़ करते होंगे कभी कभी। ये देखिए, बर्फ़ हटाने के लिए जो बेलचा यूज होता है वो यहीं पर रखा गया है। और ये है जिसको बनाया गया है बैठने और लेटने के लिए। ये तो लैंडस्लाइड रोकने का तरीका है जो स्ट्रीट्स आपको दिख रही है, और ये जगह है यहाँ रोका जा सकता है। कभी जानवर और कभी इंसान, कोई भी रुकता होगा। चलिए आगे की तरफ। लीजिए, ये बर्फ का थोड़ा सा हिस्सा बचा है अभी, और आप यहाँ से बढ़ते हैं आगे। रूट यहाँ जाके बंद हो गया, मुझे ऊपर से जाना है कुछ इस जगह से। वहाँ से पानी बहकर निकल रहा है तो थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि अच्छा पानी देखो वहाँ दिखेगा मुझे और बीच में कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा है। सीधा उस ग्लेशियर के नीचे से होता हुआ वो जो स्ट्रीम आपने देखी थी ना, अब मैं उस स्ट्रीम के ऊपर हूँ तो उस स्ट्रीम को ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये जो ग्लेशियर पिघल रहा है और वहाँ पानी सब इकट्ठा होकर बह रहा है। तो मुझे रूट थोड़ा चेंज करना है अभी, तो ये क्लाइम किया मैंने ऊपर। देखिए किस तरह का रास्ता, नॉर्मली रास्ता उधर से है, सिर्फ आजकल यहाँ से जाया जा रहा है कुछ ऐसे। वॉकिंग स्टिक बहुत सपोर्ट करती है इसी जगह पर, आपको साथ में रखनी चाहिए। और ये इसी ग्लेशियर की वो फॉरेस्ट गार्ड बता रहे थे मुझे कि हम उसको आके साफ करेंगे, क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, संभल के जाइएगा। तो ठीक है, संभल के चलते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कदम बढ़ाइए इस बर्फ़ के ऊपर। छोटी सी ढलान है यहाँ, सपोर्ट कीजिए स्टिक का और बढ़ते जाइए। जब ढलान से उतरें कभी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने पंजे पर वजन रखिएगा आगे की तरफ। जब आप आगे की तरफ ढलान से कभी भी उतरते हैं ना, तो पंजे पे जब वजन होता है तो आपके स्किड करने
और फिसलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कोशिश करें कि पूरा पांव रख के चलें, लेकिन जो वेट है वो आगे की तरफ शिफ्ट करके रखें। पांव पूरा पकड़ बनाएगा, शूज की ग्रिप अच्छी बनेगी। आगे तरह के टूर प्लानिंग से रिलेटेड ऑप्शंस लेकर के आता रहेगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि नेपाल सीरीज बहुत कमाल की होने वाली है। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 10,000 रुपये में 8 दिन सब खर्चे मिला करके मैं करके आया। आप जानना नहीं चाहेंगे कि कैसे। तो मेरा नेपाल सीरीज बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स,